तो अतीक अहमद डरा हुआ है और ये डर भी बेवजह नहीं है। जब उमेश पाल का मर्डर हुआ उसके बाद बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक ने जी मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की, जी न्यूज के साथ बातचीत की, और उस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्या गलत है? मैंने तो यह कहा कि यह हमला केवल उमेश पाल के ऊपर नहीं है, उमेश पाल की हत्या नहीं हुई है, बल्कि ये तो हमला सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर किया गया है। क्योंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश के सरकार के सुरक्षा कर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, और फिर उसके बाद उसके ऊपर हमला कर देना, उसकी हत्या कर देना, उस सुरक्षा कर्मी की भी हत्या कर देना, तो ये तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला हुआ। और जब उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला विकास दुबे ने किया था, जो विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा? तो मैंने कहा कि यदि अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, मेरा कहना सिर्फ इतना था। और एक बार फिर से हम सीधे रुक कर रहे हैं, विशाल रघुवंशी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। विशाल, हमने वो वारंट का ऑर्डर भी दिखाया, आप हमें ये भी बता रहे थे कि कौन कौन से पुलिसकर्मी हैं जो इस स्पेशल टीम में, स्पेशल 45 की टीम में शामिल हैं, और क्या क्या अपडेट अभी यूपी से आपको मिल रहे हैं, खासतौर से जिस तरह से डर रहा है अतीक अहमद, उसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, आपको एक अपडेट दे देता हूं कि दो बॉर्डर पर जो चित्रकूट और जो रीवा की बॉर्डर के पास पड़ता है और झांसी जो एमपी रूट पर पड़ता है, दोनों जगहों पर ही अलर्ट कर दिया गया है। मतलब साफ है कि इन दोनों रूटों से ही प्रयागराज लाया जाएगा अतीक अहमद। इनमें से कौन सा रूट जो है वो चुना जाएगा और इस पर जो है फिलहाल आखिरी मोहर आईपीएस अभिषेक भारती लगाएंगे, क्योंकि उन्हीं को जो है अपने नेतृत्व में अतीक अहमद को लेकर आना है, तो अंतिम रूट जो है वही तय करेंगे। और ये माना जा रहा है कि 6 बजे तक, चूंकि जो अभी तक हमारे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार 6 बजे तक अतीक अहमद साबरमती जेल से निकाला जाएगा और उसको उत्तर प्रदेश पुलिस प्रयागराज लेकर आएगी। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बैकअप में एसटीएफ की टीम को भी रखा गया है, और जो मेरे पास जानकारी आ रही है उसके अनुसार एसटीएफ के कई बड़े अधिकारी जो है वो बैकअप के लिए जा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है कि बैकअप में एसटीएफ की टीम भी रहेगी। हालांकि ये टीम क्या बॉर्डर क्रॉस करेगी या बॉर्डर के साथ आएगी ये देखना होगा। इसके साथ साथ जो बीहड़ के इलाके हैं वहां पर ड्रोन से मदद ली जाएगी, अगर रात हो जाती है या ट्रेवल कर रहे हैं तो उस दौरान ड्रोन से मदद ली जाएगी। इसके साथ साथ नैनी जेल में दाखिल करने के लिए कल सुबह कोर्ट खुलते ही यूपी पुलिस की तरफ से अर्जी दी जाएगी, क्योंकि चूंकि एक प्रोसीजर होता है जब किसी भी जेल से ट्रांसफर करके अपराधी को लाया जाता है किसी मामले में, तो उसको जो स्थानीय जेल होती है वहां पर ट्रांसफर करना होता है, वहां पर जो है रात भर की रखना होता है, तो ऐसे में उसके लिए भी एक अर्जी जो है वो दाखिल की जाएगी। जो कोर्ट ऑर्डर होगा उसको बकायदा जो है उसमें सम्मिलित किया जाएगा और उसके बाद नैनी जेल में रखा जाएगा अगर कल शाम तक आ जाता है अतीक अहमद तो। तो फिलहाल ये जो तमाम जो चीजें हैं, जो कवायद है, ये फिलहाल इसी तौर पर देखी जा सकती है कि अब फिलहाल काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब अतीक अहमद उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं बची है। अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश में आना ही पड़ेगा, जिस बात से माफिया डर रहा था अब वो बात उसके साथ होती है या नहीं होती है। लेकिन 28 तारीख को 11 बजे कोर्ट में अतीक अहमद को उमेश पाल किडनैपिंग मामले में सजा सुनाई जानी है और अतीक के साथ साथ उसके भाई अशरफ और जो तमाम आरोपी हैं उन सभी को 11 बजे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और विशाल, आप जो जानकारी दे रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रयागराज के पुलिस आयुक्त क्या कह रहे हैं उनकी बात भी दर्शकों को सुननी चाहिए। एक पुराने अपहरण के मुकदमे में माननीय न्यायालय के द्वारा फैसले की तारीख 28 मार्च तय की गई है। कोर्ट के आदेश पर अभियुक्त गणों को विधिक प्रक्रिया के तहत जेल से लाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर वापस जेल भेजा जाता है। इसी प्रक्रिया के तहत इस केस से संबंधित समस्त अभियुक्त गण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में इस केस से संबंधित अभियुक्त माफिया अतीक अहमद को संबंधित न्यायालय के समक्ष तय तारीख पर प्रस्तुत किए जाने के लिए पुलिस की एक टीम को साबरमती जेल भेजा गया है। तो पुलिस आयुक्त की बात इस वक्त हम आपको सुना रहे थे। जीन